केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी हाल ही में नागपुर IIM के स्टूडेंट के बीच पहुंचे थे। गडकरी कार्यक्रम में लीडरशिप पर अपनी स्पीच दे रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि भारत में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की शुरुआत उन्होंने ही की थी। गडकरी ने कहा है कि साल 1995 में महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री रहते हुए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। इस बात को लेकर उन्होंने धीरूभाई अंबानी से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी सुनाया। आइए जानते हैं क्या है वो किस्सा। एक घटना मेरे साथ धीरूभाई अंबानी जी के साथ हुई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो उन्होंने मुंबई पुणे हाईवे के लिए टेंडर भरा था और वो टेंडर था करीब 3600 करोड़ का, यानी आज के 36000 करोड़ का। तो मेरा मत था कि 2000 करोड़ के नीचे काम हो सकता है, ये 1600 करोड़ बहुत ज़्यादा है। तो उनके संबंध तो BJP शिवसेना में बाल ठाकरे, प्रमोद महाजन सबसे थे और मैं केवल मंत्री था। तो मैंने हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कैंसिल करिए। तो वो मनोहर जोशी और मुंडे जी थे, वो भी मेरे से समझ लिया, उन्होंने बोला ये एलिगेशन होंगे हमारे ऊपर, और मैंने अपने फाइल पर लिख दिया कि ये करने लायक नहीं है। ये हम एक MSRDC करके संस्था स्थापन करेंगे और हम अपने पैसे से ये करेंगे। तब मुझे हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि जो अंबानी नहीं कर सकता उससे कम पैसे में तुम कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस गलत है। विवाद होता रहा, फिर प्रेस में कंट्रोवर्सी बनी और आखिर में उनका टेंडर रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट हुआ तो वो बहुत नाराज हो गए, और उस समय आज भी और उस समय भी वो देश के नंबर एक के उद्योगपति थे और पॉलिटिकल पार्टी को उनका सपोर्ट इज बहुत इम्पोर्टेंट। तो बाल ठाकरे जी को और प्रमोद महाजन को लगा कि ये मैंने लेना देना कुछ नहीं, अब ये सबके संबंध उनके साथ खराब कर दिए। तो प्रमोद महाजन जी ने मुझे कहा भी जो तुमने किया तो किया, अब एक बार उनके पास जाके समझाओ ताकि उनका गुस्सा भी कम हो हमारे प्रति, क्योंकि तुमने वो लोएस्ट होने के बाद, उनका कानूनी अधिकार होने के बाद भी तुमने टेंडर रिजेक्ट किया। तो मैं उनके आ गया और मैं भी उनको समझा रहा था, बोलते बोलते वो मेरे ऊपर, उनको गुस्सा भी था तो भड़क गए, थोड़े से भड़क गए ना, उनके बोलने का तरीका बदल गया। वो बोले तुम क्या बनाओगे रोड, तुम्हारी क्या ताकत है बोले बनाने की। तो मैं भी ऐसे इसमें जरा कोई मुझे उल्टा कहता तो जवाब देने में मेरा भी स्वभाव में शांति नहीं थी। तो मैंने बोलते बोलते उनको कहा धीरू भाई अगर ये रोड मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरी मूछें काट लूंगा, और समझो मैंने बना लिया तो तुम क्या करोगे। तो हंसते हुए बोले ठीक है देखेंगे बोले क्या होता है, ऐसा करके मैंने उनका गुस्सा निकालने के लिए गया पर और गुस्सा हुआ उनका और मैं वापस आ गया। फिर 1.5 साल में मैंने काफी रोड का काम हुआ, रोड अच्छा काफी काम चल रहा था, और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो रोड देखा और उनको ध्यान में आया कि अब रोड पूरा हो रहा है। ये बात सच्चाई है कि जिन्होंने 3600 करोड़ में जो कोट किया था वो रोड 1650 करोड़ में 2 साल के अंदर पूरा हुआ, तो 2000 करोड़ बच गए। तो मैं कह रहा था वो बात तो सत्य हुई। तो फिर चैनी करके उनके पास थे, उनको कह के नितिन को बुलाओ। तो मैं उनके पास गया तो मुकेश, अनिल अंबानी, मैं और चैनी खाना खाने के लिए नरीमन पॉइंट के ऑफिस में गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन मैं हार गया, तुम जीत गए हो। मैंने बोला धीरू भाई ये मत कहिए, आप मेरे पिता के समान हो, हार जीत में कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है, ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं बोले आप, मैं हार गया हूं।